नमस्कार फ्रेंड्स, आपने जो अभी आगे वीडियो देखा वो स्केटिंग में वॉकिंग कहलाया जाता है। अब आज की जो स्किल मैं आपको सिखाऊंगा वो है आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि स्केटिंग जब से आप स्टार्ट करें तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है वॉकिंग। उसमें आपका जो दोनों हाथ है वो पीछे की ओर रखना है, अपर बॉडी थोड़ा झुका हुआ जैसे आपने वीडियो में देखा है ऑलरेडी, और नी स्ट्रेट, हाथ दोनों पीछे और अपर बॉडी झुका हुआ, ठीक है। उस तरह से पोजीशन लेके हम जैसे चलते हैं वन बाय वन लेग करके चलते हैं वैसे आपको चलना है। दिस इज अ वॉकिंग स्टाइल। उसमें व्हील जो है वो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, उस व्हील की कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आपका बॉडी आगे की ओर झुका रहेगा, बॉडी डाउन, हैंड्स बैक। ये पोजीशन पे आप लगातार 10-15 राउंड मारेंगे तो वॉकिंग एबिलिटी आएगी, आपका बॉडी स्टेबल रहेगा और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो स्केट के साथ एक तालमेल में आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट बच्चे के हाथ में जैसे स्केटिंग आता है तुरंत वो स्केट करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी वो गिरते हैं, चोटें आती हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खत्म हो जाता है, तो आगे स्केटिंग की ओर वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए बेस्ट आपने जो अभी वीडियो में देखा है, पूरा वीडियो देखा है, उसको पूरी किट पहन के आपको सिर्फ वॉकिंग करना है। दूसरी बात ये है कि अभी आप सब अपने घरों में है तो एक बेनिफिट रहेगा कि उस टाइम पे आपको कैसे के घर की जो हमारी टाइल्स होती है वो स्लिपी होती है, तो स्केटिंग उसमें स्लिप होने के चांसेस है। हाँ, किसी के पार्किंग के या छत पे आप आसानी से कर सकते हैं, पर रिस्की है, कोई साथ में है तो फुल स्केट कर सकते हो। लेकिन जो बिगेनर है, खास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिगेनर के लिए, जो अभी अभी न्यू स्केटिंग सीखे हुए हैं, तो ये पूरा जो वॉकिंग स्टाइल है वो आप दिन में 10 से 15 बार करेंगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रहेगी और स्केटिंग में आपको काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो डायरेक्ट राउंड ना लगाते हुए ये स्किल से आप स्टार्टअप करें तो बेटर है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जब मेरे पास आते हैं प्रैक्टिकल करवाने के लिए, उसको भी यही मैं ट्रिक से स्टार्टअप देता हूँ। अब जो बिगनर है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यू है, और अभी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास काफ़ी जगह नहीं है तो भी ये स्किल है कि उनकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो आज का ये लेक्चर इस आधार पे है। नमस्कार, हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट स्किल के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। नमस्कार।